होश पूर्ण जीना एवं साक्षी भाव में जीना दोनों में क्या अंतर है, कृपया समझाएं। होश पूर्ण जीवन और साक्षी भाव का जीवन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जो व्यक्ति होश पूर्ण होकर जीने लगता है उसके जीवन में साक्षी भाव स्वतः फलित होता है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में तुम्हें गाली दे देता है, अगर तुम होश में रहते हो तो गाली का जवाब ज़्यादा वजनदार गाली से नहीं देते हो, तुम या तो शांत हो जाते हो या उसकी नासमझी पर, उसकी मूढ़ता पर तरस आ जाता है, या तुम मुस्करा देते हो या तुम्हें करुणा आ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम होशपूर्ण हो, तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति अस्थायी पागलपन की अवस्था में पहुंच गया है, ये व्यक्ति क्रोध से पागल हो रहा है, तुम्हें उस व्यक्ति पर करुणा आती है। तुम अपना होश नहीं खोते हो, तुम होशपूर्ण रहते हो और उस समय तुम सिर्फ अपने भीतर जो भाव होता है उसके साक्षी बन जाते हो। होशपूर्ण होते ही तुम साक्षी भाव में आ जाते हो। साक्षी भाव की साधना और होशपूर्ण होने की साधना का एक ही अर्थ है, दोनों में कोई अंतर नहीं।